केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दो दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संकल्प है और जो अंत्योदय का मंत्र दिया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अंत्योदय के मंत्र पर उसी के रास्ते पर चल रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें उन चुनौतियों पर सफलता मिले और हम तेज़ी के साथ देश को आत्मनिर्भरता की तरफ, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर ले चलें। नकवी ने दीनदयाल चौक पर पंडित दीनदयाल प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद फेसबुक के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंत्योदय का सपना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से पूरा होगा। क्या है, किस तरह से माल्यार्पण? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय के उनका जो संकल्प है, आज हम जिस अंत्योदय के रास्ते पे चल रहे हैं और जिस अंत्योदय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अंत्योदय का मंत्र दिया था और आज उसी अंत्योदय के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं। आज देश के सामने तमाम तरह के जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर हमें सफलता मिले और हम तेज़ी के साथ देश को आत्मनिर्भरता की तरफ, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर ले चले, इसके लिए हम काम लगातार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम तरह की चुनौतियां इस समय देश में हैं और उन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे देश के 135 करोड़ लोगों का जो आत्मविश्वास है, जो ताकत है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। आज भी तमाम अखबारों में भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता और प्रभावी फैसलों की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूती से इस संकट के समय किए गए काम की वजह से जहां पूरी दुनिया में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा रही है, वहीं भारत में और उत्तर प्रदेश में बहुत कम प्रभावित लोग रहे हैं और जो प्रभावित लोग रहे भी हैं उनको भी स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनके सेहत और सुरक्षा की सुविधाएं पर्याप्त तरीके से दी गई। नकवी जी, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती देश के लिए कोरोना की है या चीन से है? देखिए, इस समय जो है वो चुनौती जो है वो टिड्डियों से भी है और फिसड्डियों से भी है और टिड्डियों का संकट और फिसड्डियों का कंटक, इन दोनों को जो है वो बहुत मजबूती के साथ निपटाना भी है। जहाँ टिड्डियाँ जो हैं वो फसल के लिए नुकसानदेह हैं, वहीं ये फिसड्डी जो है वो देश के को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे, देश जो है सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है और हमारे देश के जो सुरक्षा बल है, सेनाएं हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, सार्वभौमिकता के लिए मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ डटी हुई हैं और कहीं पर भी किसी भी रूप में हमारे देश के दुश्मन